लेकर 23 जुलाई को आईएमडी के डीजी शिमला पहुंचेंगे और आपदा से संबंधित बैठक आयोजित की जाएगी। इसे लेकर मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। हिमाचल प्रदेश में आपदा को लेकर जो आईएमडी के जो डीजी है वो 23 जुलाई को यहाँ पर आएंगे और खासकर जानना चाहेंगे कि किसके ऊपर विशेष रूप से बैठक होगी। खासकर देखा जा रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश में आपदा यानी कि कांगड़ा में बहुत पहले तेज भूकंप आया था, अब जिस तरीके से भूस्खलन अत्यधिक हो रहे, इन सभी विषयों के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। हमारे बीच मौजूद है मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल जी, इनसे जानना चाहेंगे। जी सर, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे कि जो 23 जुलाई को जो आईएमडी के डीजी आ रहे हैं, किन किन विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा होगी? मुख्य तौर पर आपदा प्रबंधन के ऊपर होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी आपदा आई, पिछले साल भी आई और हर साल आती है, तो आपदा को कैसे निपटें और उसमें मुख्य तौर पर जो हमारी वैधशालाएँ हैं उनको बेहतर करने का एक मंथन होगा। और साथ साथ में क्योंकि अर्थक्वेक प्रोन जोन प्रोन एरिया है हिमाचल प्रदेश, तो इसलिए अर्थक्वेक के लिए भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, प्रदेश सरकार के साथ भी बातचीत होगी। और वैधशालाएँ जैसे बढ़ भी रही हैं, इनको और बढ़ाने में भी डिस्कशन होगी। तो कुल मिला के जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है उसको अच्छा करने के लिए और प्रदेश सरकार को अच्छी सेवाएं देने के लिए। जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से 22 से 24 के बीच भारी वर्षा बताई है और खासकर जो मानसून है अगस्त के माह में अत्यधिक होगा, जो देखा जा रहा था जून जुलाई में हर वर्ष अधिक वर्षा होती थी, खासकर जुलाई माह में, तो इस वर्ष जो देखा जा रहा है कि अधिकांश सामान्य से कम वर्षा हुई है 40%, क्या मुख्य कारण है? देखिए, एक तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दो ऐसी क्षेत्र हैं जहाँ से मानसून की हवाएं चलती हैं। इस साल बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं जो हैं काफ़ी कमज़ोर रहीं और इवेंचुअली ये हुआ कि मानसून भी हिमाचल में या नॉर्थ इंडिया में देख रहे हैं कम रहा, लेकिन आने वाले समय में उसमें तेजी आने की संभावना है और अगले 2 से 3 दिनों में प्रदेश में बारिश बढ़ेगी। कुछ अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना है और 1-2 जिलों में भारी वर्षा भी हो सकती है, उसके बाद फिर कम होगी, लेकिन जुलाई के एंड और अगस्त में बेहतर मौसम रहने की संभावना। जी, ये थे मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल, इनका कहना है कि 23 जुलाई को आईएमडी के डीजे यहां पर आएंगे और साथ ही जो अगस्त माह में जो मानसून है वो तेज होगा। कामेश्वर शर्मा की।